ये हमारा चंपा का पौधा जो कि बारिश और तेज हवा के चलते गिर के इसका गमला आप देख सकते हैं कई जगह से टूट गया। अब इसमें बिल्कुल पानी रुक नहीं रहा है, तो इसकी वजह से हमें इसे रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो आज इसकी हम रिपोर्टिंग कर लेते हैं ताकि इसमें जो फूल आ रहे हैं वो मरे नहीं और अच्छे से इसमें फूल बनते रहें। इसके लिए जो दोस्तों हमने गमला सेलेक्ट किया है, ये है, ये 14 इंच का पॉट है, मिट्टी का पॉट है, इसमें काफ़ी अच्छे से ये पौधा ग्रो करेगा। हालांकि प्लास्टिक पॉट जो 10 इंच का था उसमें भी ये पौधा काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा था और इसमें ढेर सारे फूल आ रहे थे, पर अब टूट गया तो हमें रिपोर्ट करना है। तो हम थोड़ा सा बड़े साइज़ का गमला लेंगे और नीचे इसका जो ड्रेनेज होल है उसे कवर कर देंगे, और उसके बाद हम कुछ गार्डन की जो पत्तियाँ हैं हमारी कटिंग है इसे डाल देंगे इसमें नीचे एक लेयर इसकी, और फिर हम अपनी जो सॉयल मिक्स है इस सॉयल मिक्स से इसे कवर करेंगे। जो सॉयल मिक्स हमारी है वो आप सभी को मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये हम सॉयल मिक्स में 50% नॉर्मल गार्डन सॉयल, 30% कंपोस्ट, 20% आप रेत या राइस हस्क या फिर कोकोपीट कोई भी चीज़ ले सकते हैं। उसके बाद इसमें आप 1 से 2 मुट्ठी नीम खली और साथ में बोन मिल यूज कर लें, जिससे कि फंगस बीमारी और कुछ जो ट्रेस एलिमेंट्स हैं वो पौधे को शुरुआती तौर पे मिलते रहें। बाकी हमने कंपोस्टिंग हर महीने इसमें करते रहते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा कंपोस्ट की आवश्यकता नहीं है और हमारी मिट्टी में कंपोस्ट पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। तो इसे देखिए आधे गमले को हमने भर लिया है। अब जो हमारा पुराना गमला है उससे हम पौधे को निकाल लेंगे बाहर, तो ये टूटा हुआ है आसानी से निकल जाएगा। ये है इस पौधे की रूट बॉल, तो आप चाहें अगर तो थोड़ा बहुत जो मिट्टी है इसे निकाल भी सकते हैं, और या अगर चाहें आप तो पूरी रूट बॉल को ऐसे ही नए गमले में शिफ्ट कर सकते हैं। तो मैं थोड़ी सी साइड से मिट्टी जो है इसकी निकाल लेता हूं ताकि रूट्स ढीली हो जाएंगी तो उनकी पकड़ मिट्टी में जल्दी बनेगी और अच्छे से वो नई मिट्टी में नए गमले में शिफ्ट हो जाएंगे। दोस्तों आपका कोई भी पौधा अगर ख़राब हो रहा हो या फिर उसकी रूट बाउंड हो गई हो तो ये सीजन, ये समय जो है मानसून सीजन बहुत ही बेस्ट होता है पौधे की रिपॉटिंग के लिए। तो देखिए हम रूट के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करेंगे, तो इस प्रकार से हमने इस गमले में इस पौधे को प्लेस करना है। देखिए अभी थोड़ा पौधा हमारा ऊपर हो रहा है तो हम इसमें से कुछ मिट्टी निकाल लेंगे। हमें पौधे को ऐसे प्लेस करना है कि ऊपर से कम 1 से 1.5 इंच गमला खाली रहे, जिससे कि जब भी हम वाटरिंग करें तो पानी जो है बाहर की तरफ गिरे नहीं। तो हमारा पौधा अब इसमें प्लेस हो गया है और मिट्टी अब हम इसमें चारों तरफ से कवर कर देंगे। और जो साइड का गैप है दोस्तों उसे हम अच्छे से फिल कर देंगे ताकि पौधा इधर उधर हिले नहीं। अगर पौधा बार बार हिलता रहेगा, एक जगह मजबूती से नहीं रहेगा, तो पौधा खराब हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से हमने इस पौधे को लगा दिया है, ये पौधा हमारा लग के रेडी हो गया। इसमें करनी है हमको वाटरिंग, और वाटरिंग करनी है पूरी भरपूर जब तक कि ड्रेनेज होल से पानी निकलने ना लगे। उसके बाद हमें इस पौधे को अभी रखना है शेडेड प्लेस में कम से कम 2 दिन, उसके बाद आप हम इसे पूरे फुल सनलाइट में रिप्लेस कर सकते हैं।